सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 14 वेब सीरीज एंड मूवीज जो न्यू ईयर पे 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक रिलीज होने वाली है। सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये हफ्ता कुछ ज्यादा खास नहीं रहने वाला इंडियन ऑडियंस के लिए, लेकिन 7 जनवरी को बहुत सा OTT कंटेंट आने वाला है, जिसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। बाकी अगर आप पहली बार लॉकडाउन एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी सपोर्ट एंड प्यार के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी कोई भी सवाल हो या मूवी और सीरीज की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 14 पे है इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री मूवी हैरी पॉटर 20th एनिवर्सरी रिटर्न टू हॉगवर्ट्स। अब जब हैरी पॉटर मूवी के 20 साल हो चुके हैं तो इसके मेकर्स ने 20th एनिवर्सरी पे हमारी यादों को ताज़ा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है, जिसमें हैरी पॉटर मूवी के बिहाइंड द सीन्स के साथ एक्टर्स के असली इंटरव्यूज भी दिखाए गए हैं। और ये मूवी 1 जनवरी को HBO Max पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। तो इस मूवी को देखते हुए आपको हैरी पॉटर मूवी के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से जानने का मौका मिलेगा। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब हॉरर थ्रिलर पीरियड वेब मूवी द वेस्टलैंड, जो ओरिजिनल स्पेनिश मूवी है लेकिन स्पेनिश के साथ इंग्लिश और हिंदी डब में भी रिलीज हो रही है, जिसका ट्रेलर देखकर लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसमें कहानी दिखाई जाएगी एक गांव की, जहां पे एक फैमिली रहती है और ग्रैंडफादर बच्चों को एक डरावनी कहानी सुना रहा होता है जो ऐसा लगता है कि बाद में सच हो जाएगी, जिसमें एक खौफनाक दरिंदा इस फैमिली पे अटैक करने आ रहा है। अब 6 जनवरी को देखते हैं उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है ये डराने वाली मूवी। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एक्शन एडवेंचर एनिमेशन सीरीज़, जिसका नाम भी एक्शन पैक्ट है, जो 4 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश और हिंदी डब में रिलीज होने वाली एक बढ़िया एनिमेशन सीरीज होने वाली है, जिसमें कहानी तो कुछ खास नहीं लेकिन एंटरटेनिंग जरूर होने वाली है, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफ़ी पसंद आएगी। तो पूरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ को। नंबर 11 पे है कन्नड़ा कॉमेडी वेब सीरीज़ हम्बल पॉलिटिशियन नोगराज, जिसकी कहानी होने वाली है आजकल के अनपढ़ पॉलिटिशियंस पर, जो धर्म और जाति के नाम पे भोले भाले लोगों को बहलाकर उनके वोट लेके अपने नोट बनाने में लगे हुए हैं। और इन सब पॉलिटिशियंस की कहानी को कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा इस सीरीज में। लेकिन अभी इसकी हिंदी डब की कोई कन्फर्म अपडेट नहीं है, लेकिन अगर हिंदी डब आती भी है तो यही लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे पता चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो जानने के लिए, जो 6 जनवरी को वुड पे रिलीज होने वाली है। नंबर 10 पे है इंग्लिश एक्शन पैक ट्रू क्राइम थ्रिलर हाइस्ट मूवी 2-1-1, जो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है, जो इंग्लिश में तो 2018 में ही रिलीज हो गई थी लेकिन अब भी ओरिजिनल हिंदी डब में VOD पे अवेलेबल हुई है। जिसमें निकोलस केज हैं जो एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में हैं, और इस मूवी की शुरुआत में अपने एक साथी ऑफिसर के साथ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं और फिर होता है एक्शन शुरू, जब वो एक बैंक के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे एक रॉबरी हो रही होती है और चोरों के पास होती है बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक गन्स, जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं इन दोनों पे। तो आगे क्या होता है इस कहानी में वो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की फ्रेंच रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज द हुक ऑफ प्लान का सीजन 3, जो 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में रिलीज हो चुकी है और कहानी सीजन 2 को ही कंटिन्यू करने वाली है। जिसमें इस बार एलिसा का बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और उसकी फ्रेंड्स उसे सैड नहीं देखना चाहते, तो वो उसकी डेट नाइट एक मेल एस्कॉर्ट के साथ अरेंज कर देती है, जो प्लान से कहीं ज्यादा बेहतर जाती है। और लव की ओवरडोज होने वाली है इस बार के सीजन 3 में, जो हमें हंसाते हुए आगे बढ़ने वाली है। नंबर 8 पे है जी.वी. प्रकाश कुमार की रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी बैचलर, जिसमें जी.वी. प्रकाश ने सीरियस टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है और बखूबी निभाया है, जो अभी 3 जनवरी को सोनीलिव पे रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डबिंग की कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है, क्योंकि सोनीलिव भी बाकी लैंग्वेजेस की अपडेट नहीं देता है। तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि हिंदी डब में भी आई है या नहीं। जो सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है, जिसमें एक गाँव का लड़का जो सिटी में काम करने आता है और मिलता है शहर की एक ओपन माइंडेड लड़की से, दोनों फ्रेंड्स बनते हैं, फिर रूममेट्स बनते हैं और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लेकिन लड़के की सोच गांव वाली ही रहती है, जिसकी वजह से ये रोमांटिक कहानी एक नया मोड़ लेती है, जिसको देखना तो जरूर बनता है। नंबर 7 पे है मलयालम क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी R.J. मैडोना, जो 1 जनवरी को नी स्ट्रीम के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई, जिसका ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और लगता है इस मूवी की कहानी के अंदर और एक कहानी होने वाली है, मतलब इसके कैरेक्टर्स कहानियां सुनाते हुए दिखाई देते हैं इसके ट्रेलर में, और फिर एक लड़की की किडनैपिंग होती है। अब असल में इसकी कहानी क्या होती है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसके हिंदी डबिंग होने के तो कम ही चांस हैं, तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मलयालम में ही देखनी पड़ेगी। नंबर 6 पे है शेमारू की सस्पेंस डार्क कॉमेडी ड्रामा हिंदी वेब मूवी पति पत्नी और जो 1 जनवरी को शिमारू मी की ऐप पे रिलीज की गई पति पत्नी और वो की कहानी वाली मूवी है, जिसकी शुरुआत में एक हैप्पी मैरिड कपल होता है और खुशी खुशी जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन हस्बैंड को वाइफ के लैपटॉप में एक रोमांटिक कहानी लिखी हुई मिलती है, जिसमें एक बंदे जो का नाम शामिल होता है और उसके ऑफिस में भी एक नया बंदा आया है जिसका नाम भी जो है। तो इस कहानी में कभी हंसाते तो कभी सस्पेंसफुल मोमेंट्स क्रिएट करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं इसकी कहानी में। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की म्यूजिकल सस्पेंस ड्रामा सीरीज रेबेल्डे। स्पेनिश वेब सीरीज है जो स्पेनिश एंड इंग्लिश में 5 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। अगर आपको ऐसी ही स्पेनिश वेब सीरीज इलीट या फिर इंग्लिश सीरीज हाई स्कूल म्यूजिकल पसंद आई थी, तो उन दोनों का मिक्सचर होने वाली है ये सीरीज, जिसमें भी कॉलेज की जिंदगी दिखाई जाएगी, जिसमें म्यूजिक के साथ इमोशनल ड्रामा सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि बाकी स्पेनिश सीरीज की तरह ये सीरीज भी काफी एंटरटेनिंग होने वाली है, जिसको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की एक और इमोशनल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज द क्लब सीरीज के सीजन 1 का पार्ट 2, जो एक ओरिजिनल टर्किश वेब सीरीज है, जिसमें कुछ फैमिलीज के कड़वे खट्टे रिश्ते दिखाए जाएंगे, जिसकी कहानी काफी इमोशन से भरी हुई होने वाली है, जिसमें थोड़ा एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। और ये सीरीज हमें आज के 2022 के टाइम से थोड़ा सा पीछे ले जाने वाली है, जो ओनली टर्किश एंड इंग्लिश में 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। नंबर 3 पे है हुलू की इंग्लिश कॉमेडी ड्रामा टीवी शो सीरीज अबाउट एलिमेंट्री, जो 5 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली बढ़िया कॉमेडी सीरीज होने वाली है, जिसमें एक एलिमेंट्री स्कूल की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें एक टीचर बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम के अगेंस्ट जाने वालों का क्या अंजाम होता है वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो। सिस्टम के अगेंस्ट जाना मतलब कि यू आर द एनिमी ऑफ द सिस्टम। नंबर 2 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ही एक और इंग्लिश इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज दिस इज अस का सीजन 6, जो 6 जनवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने जा रही है, जिसमें भी हर तरह के रिश्ते की इमोशनल करने वाली कहानी दिखाई जाएगी, जो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, एक एवरेज सी सीरीज होने वाली है इंडियन ऑडियंस के लिए, और बाकी है भी इंग्लिश में, तो इंडियन ऑडियंस के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली। नंबर 1 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ही एक और इंग्लिश क्राइम एक्शन थ्रिलर ड्रामा सीरीज 911 लोन स्टार का सीजन 3, जिसमें नाम के जैसे ही पुलिस की कहानी दिखाई जाएगी। हर एपिसोड में पुलिस को एक नया और पेचीदा चैलेंज मिलने वाला है, जिसे सॉल्व करने के लिए उन्हें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। एंटरटेनमेंट पैक्ट ये सीरीज 4 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जो एक फुल एंटरटेनमेंट पैक्ट सीरीज होने वाली है। और 2022 के शुरुआत में ही ओमिक्रॉन इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से सिनेमा इंडस्ट्री भी काफी इफेक्ट हो रही है, और इसी के चलते बहुत सी थिएटर मूवीज की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है, जिसमें से सबसे पहले है जर्सी, जो 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, और इसके साथ ही एक पंजाबी मूवी गलवाकड़ी। ये दोनों थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी 31 दिसंबर को, जो अभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट तक डिले कर दी गई है। तो आने वाले नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है कि ट्रिपल आर भी पोस्टपोन कर दी जाए, अभी की सिचुएशन को देखते हुए। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।